ये उसी चिकित्सक के प्लान का एक हिस्सा है जो कि वर्ण कश्मीर की डिमांड को डाइल्यूट करने पर तुले हुए हैं और सरकार इनके पीछे है, चाहे वो इसका डिसऑर्डर्स का अपने नाम लिया और कुछ जैसे कई लोग हैं जो एक्टिव हैं सोसाइटी में, लेकिन पूरी कम्युनिटी का पॉलिटिकल ईडियम और पॉलिटिकल एस्पिरेशन क्या है, वो ए फ्यू कश्मीरी पंडित एजेंट्स वो डिसाइड नहीं कर सकते। उनका लॉन्ग स्तर क्या है, तब हम माने की ये छोटा पहला कदम, उनकी मंजिल क्या है, आप अपने ऑफिस से यहाँ आने के लिए निकले और पहला कदम आपका जो था उसको मान करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पहुँचना था, सरकार ने कहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँचाना है, उसका ये पहला स्टेप क्या है, वही रिजेक्ट इट, क्योंकि हमने ये इसमें लिखा है कि इनकी सिंसियरिटी, हमने लिखा है कि वेरेसिटी, वेरेसिटी होती है ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी नहीं है, ये हम सस्पेक्ट करते हैं, संदेह करते हैं। इन्होंने क्या शेखपुरा में जो कुछ बनाया, क्या कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लिया, क्या कम्युनिटी वहां चाहती है जाना, यहाँ से कितने लोग गए जो आ रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, हम तो एक बड़ी लड़ाई की बात कर रहे हैं, बड़े अधिकारों की बात कर रहे हैं, थोड़ा ये सरकार ऑनेस्ट रही नहीं है ना, है हम सो कश्मीर फ्रंट लाइन को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, अभी आप ही ने न्यूज में देखा कि इसको लेकर के रिलीफ कमिश्नर और रिलीफ ऑर्गेनाइजर ने क्या कहा, वाई शुड आई गिव रिकॉग्निशन टू दिस सो कश्मीर, मैंडेट किनके पास है वो देखना आपको, और ऐसा जो कश्मीरी पंडित समाज में मशरूम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुई है, मशरूम ऑफ सो कॉल्ड लीडर्स में कोई सीरियसली डाउट है, बिकॉज गवर्नमेंट इज बिहाइंड दैट मोस्टली, क्यों हुआ है, ओनली इंटेंशन टू डाइल्यूट द जियोपॉलिटिकल एसर्शन ऑफ कश्मीरी पंडित, जब हम कहते हैं कि सेपरेट होमलैंड हमको चाहिए, हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए कश्मीर में, हमको आजादी नहीं चाहिए, हमको ऑटोनॉमी सेल्फ रूल नहीं चाहिए, हमको यूनियन टेरिटरी चाहिए, इस डिमांड को डाइल्यूट करने के लिए वो अपने एजेंट्स को सामने रखते हैं, दैट्स ऑल, तो हम क्या रिकॉग्नाइज करें उनको, देर आर सो मेनी सेवरल वन मैन आर्मीज और वन मैन ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती है, जैसे हमने कहा अपेक्स को लेकर वी आर वेरी सीरियस, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अपेक्स कमेटी है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड अपेक्स कमेटी है, और ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड अपेक्स कमेटी में जो हमारी कम्युनिटी से लोग हैं, दे आर फेयर किस कम्युनिटी, दे आर जस्ट किस कम्युनिटी, जब हम लड़ रहे थे कि इस एम्प्लॉयमेंट पैकेज के साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ड्रैकोनियन कंडीशन को हटाया जाए, दे साइडेड विद गवर्नमेंट, तो हम उनकी क्रेडिबिलिटी को सवाल के लिए खड़ा करते हैं, सॉरी आप दोस्तों हिंदुस्तान और कश्मीर और कश्मीर के नाम बना दिए सब आपके सामने है, 1947 से दिल्ली सरकार ने जो शुरू किया था अपना हाल 1947 में, वो आज तक भी वही जारी है, पॉलिसी वही है, छोटे शॉर्टकट अपने मफादों के लिए इस्तेमाल करना, कहीं शेखुबला को चढ़ाना, फिर गद्दी से उतारना, फिर बख्शी साहब को चढ़ाना, फिर उतारना, फिर मीर कासिम को चढ़ाना, मीर कासिम को उतारना, फिर अकाउंट, फिर शेख सारे का अकाउंट, और आजकल जो तमाशा ऑटोनॉमी और इंटरलॉकर्स के हम देख रहे हैं, ये सारे शॉर्टकट मेथड्स हैं, और इन शॉर्टकट मेथड से आज तक कश्मीर में कुछ नहीं बदला। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की सरकार दिल्ली अगर किसी हालात में रहे तो कश्मीर में कुछ बदलने वाला नहीं, अगर कश्मीर में बदलने वाला है तो दिल्ली को बदलना होगा, प्रॉब्लम दिल्ली में है, प्रॉब्लम उतनी कश्मीर में हमारे नहीं है, सरकार दिल्ली में कमजोर रही है,
उनके पॉलिसीज कमजोर रहे। मुझे याद है यूएनओ में भाई करीम छाला की तकरीर, उन्होंने जब 3.5 घंटे बटू साहब ने वहां बोला कश्मीर पर, तो उसके बाद जवाब दिया भाई करीम छाला ने, उन्होंने एक ही सेंटेंस में उनको कहा कि सॉवरेनिटी ऑफ अ कंट्री डज नॉट मीन सेटिस्फाइड, सॉवरेनिटी ऑफ अ कंट्री डज नॉट मीन सेटिस्फाइड, सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट आर सपोज टू बी लॉयल टू द स्टेट। और सारी दुनिया की कम्युनिटी ने उसको वहां सराया और बटू साहब को रोना पड़ा फरमान लेकर यूएनओ हाउस में। और ऐसे ही हिंदुस्तान की सरकार को, दिल्ली की सरकार को, ये स्टोन पेल्टर्स को आज पैसा दे रहे हैं। मैं कल की बात बताऊंगा जो मित्रगाम में हाल में अभी एनकाउंटर हुआ, जहाँ दो मिलकर पड़े मारे गए। उसके साथ एक गांव बड़ा गांव है मुरन, 12 किलोमीटर आपसे फासला है। और जब ये सब की गाड़ियां वहां से चली, वही स्टोन पेल्टर जिसको यहाँ गोली लगी है स्टोन पेल्टिंग में, वही एक 1000 बच्चों को लीड कर रहा था और 4 गाड़ियों को चकनाचूर किया वहां बीएसएफ से, और बीएसएफ हाथ पर रहते खड़ी रह गई, सिर्फ हवा में उन्होंने गोलियां चलाई, कुछ नहीं कर सकते। फिर सेकंड रूट से फोर्स बुलाने पड़ा उस गाँव में एनकाउंटर करने के लिए, हालात वहां फिर फटले नहीं। तो इसलिए दिल्ली को भी सोचना है, इन शॉर्टकट से दूर रहना होगा, अगर कश्मीर को फर्क टूट रहना है, इनको कहना है कि कश्मीर बदलेगा नहीं, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये फाइल ऐसी कुछ बात बनी, ऐसी शॉर्टकट मत। शुभम खैर मित्रों, कश्मीरी पंडितों की वापसी एक ऐसा संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामला है, इशू है, जिसको बदकिस्मती से स्टेट गवर्नमेंट बहुत प्रेवलेंस कर रही है। और जैसा कि अभी भट्ट साहब ने कह दिया कि शॉर्टकट मेथड पैच वर्किंग हमेशा करती चली आई है, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है वो अभी कुछ अपेक्स कमेटी के साथ कश्मीरी पंडितों की वापसी के बारे में कुछ मुजाकरा करने वाले हैं, कुछ उनके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। सवाल ये है कि जब एपेक्स कमेटी कंसीव्ड बाय गवर्नमेंट, प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, डायरेक्टेड बाय गवर्नमेंट एंड एक प्रोग्राम जो है वो भी गवर्नमेंट इनको दिया है, वो कैसे एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर रखेगी एक कश्मीरी पंडितों के बारे में, और कैसे कश्मीरी पंडितों के बिहार पर बोलेगी। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि अभी आप बोलते थे वो फ्रेंड और डियर फ्रेंड, इन्होंने एपेक्स कमेटी के साथ ही बात करने का क्यों निश्चय कर लिया, इसका हम बहुत ही विरोध कर रहे हैं। परंतु कश्मीर में अनइक्वल टर्म्स में, अनएम्बिगस वे में, ये जब से हमारा एक्सोडस हुआ है आपकी बात, इस बात पर बल दिया है, इस बात पर जोर दिया है कि अगर हतमी कोई हल कश्मीरी पंडितों के मसले का है तो वो सिर्फ एक अलग होमलैंड कश्मीर में मिलने से ही पॉसिबल है। कोई भी पैचवर्क, कोई भी सेटेलाइट टाउन, कोई अलग क्वार्टर, इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि आदमी जो है वो एक मोबाइल लेके कोई वो कठपुतली नहीं, उसको किसी का बंद रखे, दो वक्त की रोटी दो वक्त की चाय देंगे उससे, उसका कोई वो नहीं करेगा। आदमी को आदमी की तरह रहना है। और कैसे कंडीशन में आजकल चल रहे, एक तरफ तो आप स्टोन पेल्टर्स को माफी दे रहे हैं, यहां से आप उनको माफी दे रहे हैं, यहां से वहां पर पुलिस स्टेशन पर अटैक हो रहा है, और एक नया मॉडल कॉपरेटिव उसमें लगाया जा रहा है, और कैसे वो नई नई चीजें उसमें लाई जा रही हैं, और उनके पीछे कौन है, फंडिंग किसने की है, क्या इसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ कहा। पीछे आपको पता होगा कि टेररिस्ट की रिहैबिलिटेशन के बारे में एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया, उसके बारे में कहा गया कि उनको रिहैबिलिटेट करेंगे, वो सड़क पर तैयार है यहाँ आने के लिए। सवाल ये है, उस वक्त भी हमने ये सवाल उठाया, क्या उनमें रिमोर्स है, क्या उनमें एक पाचाता है, हम ये क्या करें, अटोनमेंट है उनमें। दूसरी बात यह है, क्या गारंटी है कि जब उनका रिहैबिलिटेशन किया जाएगा वो दोबारा उसमें आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं हो जाएंगे। तो आप नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, उस वक्त आप
जब हमने उस वक्त खदशा जाहिर किए थे, उस वक्त जो हमने फियर्स का एक्सप्रेशन किया था वो सही साबित निकले, और वो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो है दैट कुड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे। और इसी तरह से जो आप अभी आप माफी दे रहे हैं, क्या ये विदेशी लिया जा रहा है? अगर विदेशी लिया जाता होगा तो उसी दिन जिस दिन सीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे और इस माफी के मॉडरिटीज बोल रहे थे, उसी दिन एक बहुत बड़े पैमाने में डाउन टाउन में पत्थर और वो वारदातें नहीं होती, पेट्रोल पंप नहीं खरीद किए जाते। तो ये सारा मामला जो है किसको आप धोखा दे रहे हैं? वो आर यू डिसीविंग, क्या व्हाट आर यू अप टू? वी आर योर लॉन्च नो। और हम जैसे कि डॉक्टर अमित चतुर्वेदी ने कह दिया, दिस इज हाई टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड स्टार्ट डायलॉग्स विद अस विद पनम कश्मीर टू डिस्कस द मॉडलिटीज टू डिस्कस अबाउट द ब्लूप्रिंट ऑफ होमलैंड। अगर इसका कोई हल ढूंढना है तो खाली वही एक हल है, इसके बारे में इसके बगैर कोई और हल नहीं है। और जो ये अभी आप सब इशारा कर रहे हैं कि डिफरेंट वॉइसेस डाइल्यूशन के लिए डाइवर्शनरी टैक्सेस प्रमोट करने की प्रॉब्लम जियो पोलिटिकल एक्सप्रेशन कश्मीरी पटो इज बीइंग रिप्रेजेंटेड टू दिस वॉइस सब्जेक्ट। तो ये लोग आए कोई टाउनशिप की बात करेगा, कोई उससे होना है, लेकिन हम उसके साथ नहीं मेन स्ट्रीम कश्मीरी सत्ता नॉट है। हमें जरा सत्ता की किसी एजेंसी काम करते हैं, कोई प्रॉफिट काम करता है, तो करना वो भी अपना काम करें। गवर्नमेंट कामयाब हो चुकी है आपके मेन इशू को डायल्यूट करने में? नहीं नहीं, That is why they ignore us, they sideline us, but उससे नहीं होता, डाइल्यूशन नहीं हुआ है। डाइल्यूशन तब होगा जब पनम कश्मीर कहेंगे यस वी आर रिथिंकिंग अबाउट होल थिंग, पर कश्मीर आज भी वही बात है। हमारे अपने मेथड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, अपने डिसीजन होते हैं बात को लेकर के, अपने एक पॉलिसी होती है कि ग्लोबली बिकॉज ग्लोबल कम्युनिटी नाउ ग्लोबल डायस्पोरा है और ग्लोबली हमारा अपना एक पॉलिसी लाना है और टाइप टू है ना। अभी ग्लोबल टेली कॉन्फ्रेंसिंग में दो बार एक बार श्री परमा पर उसको लेकर, दूसरी बार ऑफलाइन को लेकर आपने देखा होगा, अगर आपको पता हो या आप सर भी कर सकते हैं 99% डायस्पोरिक कश्मीरी पंडित इन वन वर्ड विदाउट मिसिंग वर्ड्स आर परफॉर्म है। दिस इज ग्लोबल नाइन कमिंग टू जम्मू वी एग्री देयर आर एजेंट्स गवर्नमेंट ने रखे हैं, लेकिन दे डोंट हैव मैंडेट एंड दे डोंट एंजॉय रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द मेन स्ट्रीम पोलिटिकल थिंकिंग इन कश्मीरी पंडित।
is only the urge. And we are here to represent, or we are representing globally, not only on national fora, global fora. यही बात है और कुछ नहीं है और वो कामयाब नहीं हुए हैं क्योंकि अभी हम जिंदा हैं पूरी कम्युनिटी जिंदा है पूरी कम्युनिटी साथ के साथ यहाँ आपकी प्रेजेंस में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ है दे आर एंडोर्सिंग द सेम लाइन व्यू पॉइंट आप ऐसा इंडिपेंडेंट सर्वे करके देख लीजिए इन एजेंट्स को छोड़िए एक साइड मैंने शुरू में कहा एपेक्स का रीजन अपेक्स कमेटी के कितने कश्मीरी पंडित जो भी हैं वो डाउटफुल है और उनका उनकी कारकर्दगी और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उनका रोल उनकी परफॉर्मेंस हमने देखी और वो एक एजेंडा है गवर्नमेंट का कि सेल आउट हो जाए कम्युनिटी इंटरेस्ट का और पोलिटिकल का ये गिव अप हो जाए और उनको बता सके कि हम कश्मीर नहीं है हम हैं ऐसा नहीं हम होने दें ऐसा कम्युनिटी नहीं होने दें जो मैंने कहा कि वे सीरियसली it is considered opinion of all Kashmiri Pandits. There are only three options in Kashmir. One, therefore Pakistan, no general Pakistan, therefore Azadi, and therefore dilution of Indian sovereignty in terms of autonomy or greater autonomy or self-rule. Tinu ke saath humara vaasta nahi hai, nahi baitha, we are not safe. Tinu options mein aapka koi placement nahi hai, guarantee nahi hai. कि रिफॉर्म नहीं हो रहा अब किसमें होगा दैट सो कंसिडर्ड ओपिनियन दैट यू नीड टू हैव योर ओन पीस ऑफ लैंड विद योर ओन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मतलब ये तीन जो ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है इनलाइन अगर है तो फिर आपका ये जो मकसद है ये कैसे देखिए दो बातें इंडियन स्टेट और इंडियन नेशन ये दो सच्चाइयां हमारे सामने हैं हम जरा फेर हमारे अंदर गिरोह का फेथ है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट सेटअप में हमारा नहीं है कोई फेथ नहीं है कि जो जो हालात हम हम पे थोपे रहे आप अपने ही घर में बेघर अपने देश में बेगाने अपने देश में शरणार्थी बने और ये बेशर्मी और बेसूमी इसको लेते रहे तो आपका फेथ नहीं बचेगा इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अब फेथ कहाँ है फेथ आपकी इंडिनेशन में पीपल ऑफ इंडिया में पीपल ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट दे आर टू डिफरेंट रियलिटीज अभी हमने रिसेंटली देखा है नो कनेक्शन विद अन्ना वगैरह वहां क्या था इट वॉज पीपल अगेंस्ट इंडियन स्टेट जो भी है अभी तक इंडियन स्टेट कैसे उसको मैनेज करेगी क्या करेगी वो अलग बात है इसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है इस बात का मैं आर्ग्यूमेंट से कह रहा हूँ इंडियन नेशन पर हमारी बात है आप श्रीनगर का नाम बदलेंगे उसको शायद खास करेंगे डू यू नो कि आपने करोड़ों लोगों की सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है इट्स नॉट कन्फाइंड टू कश्मीरी पंडित सलमान ये महाराजा अशोक का बनाया हुआ शहर है आप महाराजा अशोक को रिजेक्ट कर रहे हैं और महाराजा अशोक 1 अरब और 20 करोड़ लोगों की दिलों में है तो आपका हर एक स्टेप आपका हर एक मूव इस पीपल ऑफ इंडियन नेशन के साथ जुड़ा है एंड इस सिविलाइजेशन ऑफ मिल्यू के साथ जुड़ा है जैसे हमारा एक्सोडस मान लीजिए इन अ सेक्युलर कंट्री लाइक इंडिया इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया यू आर बीइंग हाउंडेड आउट ऑन द बेसिस ऑफ फेथ When you are being hounded out, kicked out, thrown out, only because you are other, so it has direct connection, link with the fate and future of Indian democracy, Indian secularism. ये बात आप समझाएंगे कर्नाटक जाकर बंगाल जाकर मध्य प्रदेश जाकर और वो लोग एकदम जाग जाता है सब कश्मीर has been founded head of Indian civilization. कश्मीर has been फाउंडेड हेड ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इंडियन फिलोसॉफी इंडियन जो भी है इट्स नॉट यासिन मलिक आपको कहेगा कश्मीर इज नेवर बीन पार्ट ऑफ इंडिया वो तो अंदर लोग हैं आई हेयर यासिन शबीर शाह सैयद अली शाह गिलानी कम ऑन विद ओपन आई टेल यू हाउ कश्मीर हैज बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया आप अंदर लोगों को बताते हैं उनको गुमराह करते हैं किनको गुमराह करते हैं जब 5 लाख साल का इतिहास महाराजा अशोक ने श्रीनगर बनाया है
आपका ललित आने से डर की आज जहां आप डर को मंगोल तक गया है, चाइना तक गया है, पार्ट ऑफ कश्मीर ठीक है, वो अगर पास है लेकिन प्रेजेंट में आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करेंगे, शंकराचार्य को सुलेमान बनाएंगे, आप कोई महाराज बनाएंगे भारी प्रभु, और हम नंद ऋषि के दीवाने हैं, आप नंद ऋषि नहीं कहेंगे इंटरनेट, उसको कहेंगे शेख शेखुल आलम, जितना आलम भाव करेंगे वो आपका कश्मीरी मुसलमान तक उसको भूल नहीं पाएगा। इसको मेक इट इजी, अरे नंद ऋषि एयरपोर्ट है और इट्स मैटर, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हो, लेकिन मुझे अलग करने के लिए आपके इतने एफर्ट्स हैं, दैट स्पीक ऑफ योर माइंड सेट, वॉइस चेंज ऑफ शंकराचार्य, वॉइस चेंज ऑफ शहर खास, उसको करना कश्मीर श्रीनगर को, और कौन कर रहा है ये उमर अब्दुल्ला की सरकार, कहा से इसमें डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर पहले स्टेट्स, जो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फारूक रिजू फॉर हैविंग डन दिस वर्क, उसमें लिखा है कि बहुत बड़ा एडजेक्टिव था कि दिस एनॉर्मस वर्क और कंट्रीब्यूशन ऑफ हैविंग चेंज नेम ऑफ श्रीनगर टू शहर का, डू यू मीन मी दैट आई कीप मम, दिस नेशन शुड कीप मम, व्हाई आप रहिए, ये सेक्युलर कंट्री है, सारे रिलीजियस अलाइज हैं, सबको वी आर नॉट अगेंस्ट, बट यू आर रिजेक्टिंग सेक्युलर एंड प्लूरिस्टिक अक्रॉस ऑफ दिस कंट्री, सो माई गोइंग बैक टू कश्मीर, कश्मीर विल मेक इट सेक्युलर कश्मीर, इट्स नॉट सेक्युलर कश्मीर, इट्स मुस्लिम कश्मीर, बिकॉज यू आर रिजेक्टेड मी, नाउ माई गोइंग बैक एंड आई एम आस्किंग रेस्टोरेशन ऑफ माई ग्रेट राइट्स, I am demanding granting of union territory status, that is application of Indian constitution. आज की तारीख में कोई क्या डेयर कर सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कम्युनल कहने का? क्या आप चंडीगढ़ को कम्युनल कह सकते हैं, पांडिचेरी को कम्युनल कह सकते हैं, गोवा दमन दीव जैसे जहां भी यूनियन टेरिटरी है वो दे देंगे, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो आप एक सेक्युलर कश्मीर की बात करें, वो वेल सीरियस डाउट्स, क्योंकि चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या यूपीए सरकार हो, या और भी अपोजिशन के लोग हों, कमेंट में हम कर में आते हैं उस पर, ये इसके भी जल्दी बुलानी पड़ी क्योंकि इफर्ट्स आर ऑन सोसाइटी, हमको डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, डिस्टॉर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, कश्मीर कश्मीर जीवन आप इट्स होल डिमांड, अब ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज के साथ में वो है, और सारे एक सर्कस के जोकर बहुत एक्टिव हो गए हमारे यहाँ, तो उनको कमांड आम आदमी, और जैसे पीपल ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट में दो रियलिटी, और आज की तारीख में बहुत दुख से कहना होता है, जो हमारा एक्सपीरियंस है कि इंडियन स्टेट इज एट क्रॉस इन कॉन्फ्लिक्ट विद इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन आई रिपीट इंडियन स्टेट इज एट क्रॉस और इन कॉन्फ्लिक्ट विद इंडियन सिविलाइजेशन। इस लाइफ में देखिए, अगर यासीन मलिक को इंडिया टुडे एनक्लेव में एज आइकन ऑफ इंडियन यूथ के रूप में पेश किया जाता है तो उससे क्या साबित होता है? उसको आइकन ऑफ इंडियन यूथ पेश किया गया, इंडियन स्टेट करती है, और जितने भी लोग हैं जो परपेट्रेटर्स ऑफ एक्सोडस एंड जेनोसाइड, किसको आपने आज तक पेनालाइज किया? बेटा कराटे को नहीं किया, उसको छोड़ दिया, नो सरप्राइज अगर आप कल उसको डिफेंस मिनिस्टर बना दें, होम मिनिस्टर बना दें, आपने किसको किया? वाई शुड आई ट्रस्ट यू? इट्स अ सीरियस इरोजन ऑफ फेथ इन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यही लोग तो थे तकरीबन 90 में, आप चेहरे बदल गए हैं अपने, कुछ लोग वही हैं, कुछ लोग उसी पॉलिसी वही है, तो सीरियसली हमारा इरोजन ऑफ फेथ है, और रेस्टोरेशन ऑफ फेथ के लिए हम जो रास्ता दिखा रहे हैं
वो सरकार भी अंदर अंदर से जानती है इसको, लेकिन लोग मांगने लगे हैं। हमारा 20 साल 22 साल का संघर्ष है पूरे देश भर में। वी हैव सम रीजन टू बिलीव दैट पीपल ऑफ इंडिया आर विद अस।